किसी मुल्क में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। बड़े बड़े माहरीन फन लोगों को बुलाया गया था। रास्ते में समुंदर पड़ता था, इसी वजह से पानी के जहाज में बैठकर लोग सफर कर रहे थे। मामूली सी सर्दी थी। एक रोज सुबह में जब सूरज की किरणें निकली तो माहरीन फन हजरात अपनी अपनी कुर्सियाँ लेकर धूप खाने के लिए ऊपर बैठ गए और आपस में अपने अपने फन की बातें करने लगे। हर फन वाला अपने फन की बड़ाई बयान करता था। इत्तेफाक से जहाज चलाने वाला मल्लाह भी उन लोगों की बातें सुनने के लिए एक किनारे आकर बैठ गया। उन लोगों को मजाक सूझी। चुनांचा एक ने मल्लाह से पूछा, आप अरबी फारसी भी कुछ जानते हैं? मल्लाह ने कहा, नहीं साहब, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। पूछने वाले ने कहा, मैं तो मुफ्ती हूँ, तेरी तो जिंदगी बेकार, तू तो कुछ ही नहीं। दूसरे ने मल्लाह से पूछा, आप इंग्लिश वगैरह कुछ जानते हैं? मल्लाह ने कहा, नहीं साहब, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। पूछने वाले ने कहा, तेरी तो जिंदगी ही बेकार। इसी तरह किसी ने कहा, मैं तो मजिस्ट्रेट हूँ। किसी ने कहा, मैं तो इंजीनियर हूँ। किसी ने कहा, मैं तो साइंसदान हूँ। इसी तरह वो लोग अपनी अपनी डिग्रियां उस मल्लाह से बता रहे थे और मल्लाह उन सब के जवाब में यही कहता रहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता। इत्तेफाक से पिछली दोपहर को समुंदर में तूफान आ गया और जहाज के डूबने की नौबत आ गई। अब मल्लाह उन माहरीन फन और बड़ी बड़ी डिग्री वालों से कहने लगा, अरे भाई साहब, आप हजरात पानी में तैरना भी जानते हैं या नहीं? अब जहाज डूबने ही वाला है। अफसोस कि अब आप सब लोगों की जिंदगी बेकार है, आप लोग कुछ नहीं जानते। ये बातें हो ही रही थी कि इतने में एक लहर आई और जहाज को डुबो कर चली गई। जितने भी उसमें सनद और डिग्रियां वाले थे सब के सब डूब गए और मल्लाह तैरते तैरते किनारे पहुंच गया। वहां कुछ मछुआरे उसकी मदद के लिए मिल गए। उन मछुआरों की मदद से कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक ताला ने उसको सही सलामत घर पहुंचा दिया। इससे फ़ायदा लोगों को यही मिलता है कि निज़ामे कायनात चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर हर इंसान को अलग अलग फन और सलाहियतों से नवाजा है। दुनिया की मिसाल इंजन जैसी है, हर इंसान उसके कुल पुर्जे की तरह है। अगर एक पुर्जा भी खराब हो जाए तो इंजन बंद हो जाता है। इसी तरह दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी को मल्लाह बनाया, किसी को लोहार, किसी को बढ़ई, किसी को इंजीनियर और किसी को आलिम। हर एक का अपना अलग मैदान है और हर एक की अपनी मुस्तकिल हैसियत है। उनमें से एक भी अगर ख़त्म हो जाए तो दूसरे तमाम मुतासिर हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने जिसको जो चीज़ भी इनायत की है नियामत समझकर उसका शुक्र करना चाहिए और दूसरे को जो इनायत फरमाया है वो भी, क्योंकि हमारे ही नफ़े के लिए, इसलिए उसकी कदर करना चाहिए। अपने को बड़ा समझना और दूसरे को कमतर जलील समझना ये बहुत ही जिल्लत की बात है।